हेलो फ्रेंड, मैं अभी जम्मू में पहुंचा हुआ हूं और रघुनाथ जी महाराज का भव्य मंदिर यहां पे आप पीछे देख सकते हैं। इसका पूरा दर्शन आप सभी लोगों को कराने वाला हूं, साथ में मोनू भाई भी हैं। तो पूरे मंदिर का दर्शन आप सभी लोगों को अभी जस्ट कराया जाएगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा, ज़बरदस्त मंदिर है, लाजवाब, काफ़ी फेमस मंदिर है। आप पूरी वीडियो देखिएगा, देखने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देर न करते हुए चलिए सीधे आपको मंदिर का दर्शन हम कराते हैं। देख सकते हैं आप, इसी रास्ते से हम लोगों को जाना है। ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ आप जो देख रहे हैं ना, जस्ट इसके बगल में दुकानें लगी हुई हैं और ये सभी लोग आने जाने वाले जिसको जो जरूरत रहता है वो अपना लेता रहता है। और इसी सीढ़ियों से चढ़ते हुए आगे हम लोग को बढ़ते चले जाना है। काफ़ी ऊपर रघुनाथ जी मंदिर है, काफ़ी प्रचलित मंदिर है, आपने आज तक देखा नहीं होगा, रियली बता रहे हैं। तो जब आप देखिएगा, अभी हम भी तो उसके बारे में सुन रहे हैं लेकिन वहाँ पर चल करके आपको दिखाते हैं। लोग काफ़ी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि बहुत ही फेमस मंदिर है, बेहतरीन मंदिर है। तो आज चलिए हम सभी लोग उस मंदिर को चल करके अपनी आँखों से दिखाते हैं आपको। पिछवा तो डेढ़ एक साथ है, आप मैंने सीन जरूरी दिखाओ। लंबे समय से पैदल चलते चलते आखिरी में हम लोगों को पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं जो बोर्डिंग लगा रहा है ना, बैनर है, जस्ट यहीं से एंट्री गेट, आप यहां पे देख सकते हैं एंट्री गेट यही है और यहीं से हम लोग को अंदर जाना है। तो चलिए अभी आपको हम अंदर चल करके पूरा सीन दिखाते हैं। मंदिर में अभी हम लोग जा रहे हैं, पूरा आपको दिखाते हैं। वाव, लाजवाब यार, जबरदस्त मंदिर वाकई में यार, रियली जितना हम सुने थे उससे कहीं ज़्यादा बढ़ करके तो खूबसूरत देखने में लग रहा है। रियली बता रहे हैं यार, ये तो मोबाइल में उतना अच्छा खासा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन रियली बता रहे हैं यार, गजब का मंदिर तो देखने में लग रहा है। अभी चलिए इसके बारे में पूरा देखते हैं, अंदर चल करके पूरा सीन अभी आपको दिखाएंगे। ज़बरदस्त तो आँखों से ही देखने में लग रहा है, रियली बता रहे हैं यार, दिल को बड़ी सुकून मिल रहा है, बहुत खुशी फील हो रही है अंदर से, इतना आप जानिए। तो चलिए इसका पूरा सीन आपको दिखाते हैं। काफ़ी बहुत बड़ा मंदिर जैसे लग रहा है, अपना बीएचयू जैसे लग रहा है, जो बनारस में हम लोग मंदिर देखने जाते हैं ना सेम वैसे ही लग रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए पूरा सीन आपको दिखाते हैं दोस्तों, आप देखिएगा। रियली बता रहे हैं यार, लाइफ में क्या है, थोड़ा बहुत घूमना फिरना, दर्शन करना, एंजॉय करना, ये सब लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है यार। तमाम प्रचलित आप देख सकते हैं मूर्तियां यहां पे लगी हुई हैं, जो भी प्रचलित फेमस देवता रहे होंगे तो सभी लोगों का यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सब दिखाने के साथ साथ अभी रघुनाथ जी का मंदिर अभी अंदर है, मेन तो उनका भी आपको हम दिखाते हैं। अभी आप बने रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। वाओ, गजब यार, इतना लाजवाब सीन है, ज़बरदस्त। ही रघुनाथ जी मंदिर, अभी हम लोग उनके रघुनाथ जी का दर्शन अभी आपको यहीं पे होगा, उनके ही द्वार हम लोग जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं जो रास्ता चल रहा है ना, उनके लिए ही ये सब है। तो अभी चलिए उनका दर्शन आपको चल करके कराते हैं। आप भी देखिए रघुनाथ जी मंदिर, ज़बरदस्त मंदिर, आप तो यहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे, जम्मू में अभी हम लोग हैं तो यहीं पर आपको चल करके दिखाते हैं। ये है दान पेटिका, गजब गजब गजब। अभी यहाँ पे भीड़ है, रुकिए थोड़ा सा दिखाते हैं अभी आपको, आप देख सकते हैं यही है रघुनाथ जी। बोलिए रघुनाथ जी महाराज की जय हो। दान पेटिका भी यहाँ का आप देख लीजिए, दान पेटिका। देखिए हर एक इंसान अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार जिसको जितना सपरता है उतना देता है, बहुत बड़ी दान पेटिका है यार, शीशा रहित है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल साफ दिख रहा है। बहुत बड़ा मंदिर है यार, यहाँ पे अभी हम लोग इसी में घूम रहे हैं, देखिए काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। मोनू भाई भी काफ़ी खुश है कि यार ऐसा मंदिर तो हम लोग देखे ही नहीं थे। और यहीं पे वैष्णो माता का भी दर्शन अभी आपको हम कराते हैं।
दोस्तों आप फाइनली आप देख सकते हैं जय माता वैष्णो देवी जी, उनकी भी मूर्ति की स्थापना यहाँ पे है। सभी देवी देवताओं का दर्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। काफ़ी ज़बरदस्त मंदिर है, देखने में अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त। आप सभी लोग देखिए, रघुनाथ जी महाराज जी का ये मंदिर है। जम्मू की धरती पे हम सभी लोग पधारे हुए हैं और यहीं पे मंदिर घूम रहे हैं हम सभी लोग। काफ़ी भव्य मंदिर है, आप देखते रहिए पूरे मंदिर के दृश्य। रियली बता रहे हैं यार, जब भी कभी आपको मौका मिलेगा ना, देखिएगा बहुत ही दिल खुश होगा आपका। वो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य देवता जी की लेटी हुई मूर्ति यहाँ पे स्थापना है। लेटे हुए सूर्य देवता यहाँ पे हैं और काफ़ी इनका भी प्रचलित नाम हुआ है यहाँ पे, दूर दूर से लोग इनको देखने आते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मंदिर को सजाया गया है, आप देख सकते हैं यार, जैसे लग रहा है यहाँ पे शादी ब्याह फंक्शन है। लेकिन रियली बता रहे हैं शादी ब्याह नहीं है, मंदिर है मेरे भाई। ज़बरदस्त लोकेशन है, देख के यार दिल खुश हो जा रहा है कि हाँ वाकई में हम लोग कहीं पहुँचे हैं। यही सब चीज़ें हैं यार, देखने के बाद बड़ा मज़ा आ रहा है, इतना आप जान जाइए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि आपको हम बता नहीं सकते। इसके भीतर ही इतना मंदिर, आप घूमते रहिए, दर्शन करते रहिए, खूब घूमते रहिए। अभी बहुत बड़ी शिवलिंग एक है, उसका दर्शन आपको अभी कराते हैं। आपके सामने आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य शिवलिंग है, बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं इस शिवलिंग को, बहुत ही बेहतरीन है। जय रघुनाथ जी, जय भोलेनाथ जी महाराज। सबका भला करिए, सबकी मनोकामना पूरी करिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, ज़बरदस्त ऐसा मंदिर इसके पहले तो हम तो नहीं देखे थे भाई, इतना बड़ा। बहुत ही बेहतरीन है, आपको भी देखने में पता चला होगा कि हाँ यार वाकई में बहुत ही भव्य मंदिर है ये, बहुत ही बेहतरीन। अभी गणेश जी की, नटराज जी की आप यहाँ पे देखिए, श्री गणेश जी, श्री नटराज जी, श्री बगलामुखी जी, तो सभी लोगों का दर्शन आप एक साथ करिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त, एक साथ एक ही मंदिर में सोचिए सभी देवताओं का दर्शन हो गया। हम लोग तो यार धन्य हो गए, आप भी धन्य हो गए पूरी वीडियो देख करके। बहुत ही बेहतरीन सुरक्षा, बहुत ही बेहतरीन सिक्योरिटी भी आपको हम दिखाते हैं। देख सकते हैं आप वहाँ पर ध्यान से देखिएगा, CRPF के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं, हर एक तरफ ड्यूटी, हर एक तरफ, हर एक जगह अपनी सुरक्षा है। जो मंदिर है ना काफ़ी प्रचलित है, इसके लिए इसकी सुरक्षा सब तरफ से की गई है, इतना आप जान जाइए। उस ऊपर से जम्मू में है भाई, और भी है, लाजवाब मंदिर है। देखने के बाद वाकई में रियली बता रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार वाकई में ज़बरदस्त मंदिर है, दूर दूर से लोग दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। लाजवाब गार्डन की सीन अभी आपको हम दिखाते हैं, आप देखिए गार्डन यहाँ पे है, आप यहाँ पे बैठिए, सो जाइए, एंजॉय करिए, मस्ती करिए, सब सुविधा यहाँ पे है यार। रात में आने पे लोग और बता रहे थे कि रात में यहाँ पे लाइटें वगैरह लगी रहती है, फुव्वारा वगैरह यहाँ से निकलता रहता है, बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो रात में तो अभी हम लोग रुकने वाले हैं नहीं, अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे बाहर। मंदिर इतना बेहतरीन है कि रियली बता रहे हैं यार, यहाँ से जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी भी अपनी है कि यहाँ से भी हम लोग को जाना है श्रीनगर, फिर उसके बाद कश्मीर वगैरह घुमा जाएगा। तब तक आपको दिखाते हैं पूरी सीन, आप देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। देखने के बाद एक चीज़ बता रहे हैं यार, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग फ़ोटो वगैरह में देखते हैं ये सब सीने, एकदम रियली बता रहे हैं यार, उस हिसाब से देखने में अपनी आंखों से ये लग रहा है कि हाँ यार वाकई में ज़बरदस्त सीन है। लेकिन ये बना है, बनाया गया है, ये फ़ोटो में नहीं है, ये रियली का मंदिर है यार, गजब का मंदिर है। बस धीरे धीरे अभी आप देख सकते हैं, धीरे धीरे अभी हम लोग लगभग मंदिर से अभी बाहर निकलने वाले हैं। थोड़ा सा सीन आप देख लीजिए, और यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिक्योरिटी वाले अभी जूम करके आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है, अंदर जाने वालों को देखते हैं लोग, बाहर आने वालों को देखते हैं, सबके ऊपर निगरानी इन लोगों की रहती है, यहाँ पे गलती कोई नहीं कर सकता है। तो रियली ये सब था दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी यहाँ से हम लोग बाहर निकल चुके हैं, यही एंट्री गेट था, तो अभी यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, लेकिन चलिए थोड़ा सा बाज़ार आपको यहाँ का दिखाते हैं। ऊपर ही ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बाज़ार भरा भरा सा दिख रहा होगा आपको, ये सब यहाँ पे सामान वगैरह, ये सब जो
रघुनाथ मंदिर पे जो लोग आते हैं घूमने के लिए वो लोग सामान वगैरह अपना लेते रहते हैं, तो उनके लिए सब व्यवस्था उचित आप देख सकते हैं। 120 मार्केट भी काफी भव्य सजाया गया है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे रघुनाथ जी मंदिर के धाम पे तमाम दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिला है आप देख सकते हैं। यहाँ पे अखरोट वगैरह काफी सस्ता दिख रहा होगा आप देख सकते हैं, 120 140 160 इस तरह से काफी भव्य यहाँ पे है मार्केट। खाने पीने का भी उचित व्यवस्था है यहाँ पे,